बैक टू द चैनल, दिस इज़ मीन एंड मीन खान एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान का महीना है और आज मेरा रोज़ा है, तो अभी अभी मैं अपनी अकेडमी से आई हूँ क्योंकि सारा कुछ ओपन हो गया है। तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा रोज़ा लग रहा था, तो घर में प्रिपरेशन हो रही थी इफ्तारी की, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो चलें मैं आपको दिखाती हूँ। मामा जो हैं वो इफ्तारी बना रही हैं, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। जो है वो हमारी समोसी तैयार हो रही है, वेजिटेबल समोसी हैं। और यहाँ पर मामा ने पकौड़े बनाए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस हैं, और दिल कर रहा है कि अभी भी सारे खा लूँ। यहाँ पर लाइबा ने स्प्रिंग रोल्स जो बना के फ्रीज किए हुए थे, तो अभी हम लोग इसको फ्राई करेंगे। और इसकी रेसिपी अगर आपने देखनी है तो कुकिंग विद लाइब्स के चैनल पर देखें, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा रोज़ा लग रहा है, तो मेरा दिल कर रहा है कि अभी मैं रोज़ा खोलूं, और इतने मज़ेदार इफ्तारी बनी हुई है उसको देख के तो और लग रहा है कि अभी मैं सारा कुछ खा जाऊँ। और अभी मौसम भी अच्छा नहीं है, धूप हुई हुई है, और बाहर लाहौर में कंडीशन भी बहुत बुरी हुई हुई है। हम लोगों ने आज मार्केट जाना था तो अभी नहीं जा रहे, क्योंकि बाहर ऐसी कंडीशन नहीं है कि हम लोग बाहर जाएं। तो अभी आज मेरे साथ लाइबा भी इस ब्लॉग में नहीं है क्योंकि वो बहुत थकी हुई है, तो उसका भी रोज़ा था। तो मैं दुआ करती हूँ कि ये हालात जो हैं वो जल्द से जल्द बेहतर हो जाएं। और लाहौर में इतनी बुरी कंडीशन है कि लाहौर के मुल्तान रोड पर जो है वो हर जगह खून ही खून हुआ हुआ है, और काफ़ी लोग शहीद हो गए हैं। तो मेरी दुआ है कि ये सब कुछ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और मुल्क के हालात बेहतर हो जाएं, और कोरोना वायरस से भी निजात पा सकें, आमीन। तो इस मुल्क में और इस दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान हैं, उन सब की सारी परेशानियाँ दूर हो जाएं, आमीन। और अल्लाह सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। इफ्तार में जो है वो थोड़ा सा टाइम रह गया है, और अभी मैं आपके साथ इफ्तार भी शेयर करूँगी। पर जो है वो हमारा दस्तरखान जो है खाने से सज चुका है, और इफ्तारी भी आ गई है। इफ्तार में बहुत ही कम टाइम रह गया है, तो अभी हम लोग इफ्तार करते हैं। सबकी नेक तमन्नाओं को मुकम्मल फरमा, सबकी परेशानियां, सबकी मुसीबतें, सबकी तकलीफें, सबके जायज कामों में रुकावटें दूर फरमा। या इलाहुल आलमीन, या अरहमर राहिमीन, या शाफियुल अबरार, जितने बीमार हैं घरों में, हॉस्पिटल्स में, जहां कहीं जिस किस्म की बीमारी में है, या इलाहुल आलमीन, इन इफ्तार के लम्हात का सदका तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। अबरार साहब बीमार है, मोहतरमा फौजिया साहिबा बीमार है, सैयद नासिर साहब कैनेडा में हॉस्पिटल में एडमिट है, या इलाहुल आलमीन, इसके अलावा जिन जिन अहबाब ने दुआओं के लिए कहा, सब बीमारों को शिफाए कामिला आजिल अता फरमा, कोविड-19 से हम सबको निजात अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो इसमें मुब्तला है उन्हें इससे निजात अता फरमा, जो इसमें दुनिया से गुजर चुके हैं, या इलाहुल आलमीन, उन्हें शहादत की मौत नसीब फरमा कोविड-19 की वजह से। या इलाहुल आलमीन, जिनके कारोबार तनज्जुली का शिकार है, उनके कारोबार को तरक्की अता फरमा, उनके कारोबार को बाबरकत बना दे। या इलाहुल आलमीन, सबके कामों की खैर फरमा, जितने औलाद है नेक और साले औलाद नसीब फरमा, औलाद की नाफरमानी का शिकार है उनकी औलाद को नेक और साले बना। या इलाह को, या इलाहुल आलमीन, इसकी चप्पे चप्पे की हिफाजत फरमा, इसकी मुहाफिजीन की हिफाजत फरमा,
आमिर अली जा साहब जिनका हार्ट जिनको हार्ट अटैक हुआ या इलाज आलमीन उन्हें सेहत कामिल आज अता फरमा उनका साया तादेर अपनी फैमिली पर कायम और दायम फरमा जिन कलाम भाई का इंतकाल हुआ या इलाज आलमीन उनकी मगफिरत फरमा उनके तमाम नवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमा आले रसूल बिहक ला इलाहा इल्ला अल्लाह मुहम्मदुर रसूल।